सो गाइज आज 8-9 दिन हो गए, 9th डे, और मैं अभी तक अपने घर नहीं गई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतने लंबे टाइम तक दूर रही हूँ। सो आज है वैलेंटाइंस डे और एनिवर्सरी मेरे मम्मी पापा की। पापा तो यहाँ है नहीं, पापा उधर हैं दिल्ली में और मम्मी हैं इधर, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं निकलती हूँ और जाके थोड़ा सरप्राइज़ देती हूँ घर वालों को और उनकी एनिवर्सरी विश करती हूँ। आज स्पेशल डे वाले दिन थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ा माहौल बनाते हैं। जाके ये देखिए छोटे 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 गिफ्ट ले लिए, बेचारा ही मर गया अंदर से। वैलेंटाइन डे इसका लव यहीं ख़त्म हो गया गुब्बारे के अंदर। बट चलिए एंड लेट्स स्पेंड सम नाइस टाइम विद फैमिली, बिकॉज वैलेंटाइन यही है, आपके जहाँ प्यार करने वाली है आपकी फैमिली आपके साथ। एवरी डे इज वैलेंटाइन डे, लेट्स गो। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं चप्पलें ठीक है, शूज डाल लूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, जूते डालूँ शूज, ये ठीक है चप्पलें, चलो ठीक है। ओके गाइज, चलो आई विल सी यू इन सम टाइम। So guys, I'm going by cab. चलिए guys, निकलते हैं घर की तरफ, आप लोगों को लेके चलती हूँ मैं और मज़ा आएगा, क्या होने वाला है। चलिए after so many days, let's go। घर पहुँचने में इतना टाइम लग रहा है, मुझे पता नहीं था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज एनिवर्सरी नहीं होती मेरे मम्मी पापा की तो मैं आज नहीं आती, बट आज मैंने थोड़े एफर्ट लगाए, थोड़ी हिम्मत की। मेरे घर में इस वक्त 8, 9, 10, 11, 15 लोग हैं और सुबह से उठी हुई हूँ 9 बजे से, फिर 15 लोगों के खाने की तैयारी करनी, लंच बना के आई हूँ सबका, और जाने के बाद फिर बाकी काम भी करने हैं। अब दिमाग चलने लगा है डिनर की तैयारी, और मेरी जो हाउस हेल्प थी भाई, वो उसको बनाना था वैलेंटाइन डे, और वो 2 दिन पहले ही वैलेंटाइन डे के। सो गाइज, या मेरी जो हाउस हेल्प थी उसको बनाना था वैलेंटाइन डे, और फाइनली मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो बहाने बना रही थी, मुझे जाना है, मुझे दोस्त से मिलना है अपनी, मेरी एक फ्रेंड आई है उससे मिलना है। तो नेक्स्ट डे उसने बहाना मुझे लगाया कि उसके बॉयफ्रेंड ने जहर खा लिया है और उसको जाना पड़ेगा गोवा। मुझे समझ नहीं आया, मैं डर के मैंने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ, उसका पेमेंट किया मैंने, कपड़े वपड़े दिए उसको, उसको जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो दिया, और जब वो चली गई तो मेरे भेजे ने काम किया कि वैलेंटाइन डे के लिए वो छुट्टी चाहती थी, और इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी कि मैं उसको स्पेस दूं और उसको जाने दूं। तो फाइनली जाने दिया गाइज, बट जो हालत बुरी हो रही है, एंड ऐसा मैंने 8 लोगों तक खाना बनाया है घर में, बट 15 लोगों का खाना फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मेरा तो मतलब रीज़न है कि मैं, एनिवर्सरी है मेरे मम्मी पापा की, आज के दिन शादी हुई थी, उस ज़माने में कोई जानता भी नहीं था, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वैलेंटाइंस डे के लिए, इतनी भीड़। चलिए गाइस, घर पहुँच के मिलते हैं। गाइस लिफ्ट अटक तो नहीं रही है, अबे यार हेलो कोई है गाइज, लिफ्ट सिर्फ सेकंड पे है यार, सेकंड से ऊपर लिफ्ट जाए भाई, लिफ्ट ख़राब तो नहीं हो गई। अरे यार ज़िंदगी का स्ट्रगल, मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेरी 15th फ्लोर पे जा ही नहीं, क्या मैंने शौक से आप लोगों को दिखाया कि देखिए 15th फ्लोर पे जा रही हूँ, मैं जा ही नहीं रही है, 14th फ्लोर से जाके मुझे एक और फ्लोर चलना पड़ेगा। क्या लाइफ में स्ट्रगल, ऊपर वाला भी ना जान पूछ के, चलो देखते हैं 14 तक तो पहुँचे। मुझे लगा लिफ्ट रुक गई, ये लिफ्ट रुक जाती है गाइस, एक बार हो चुका है, इसमें लोग फंस चुके हैं, ठीक भी कराई जा चुकी है लिफ्ट, एंड उसके बावजूद भी ये होता है। लेट्स सी, इतना सारा सामान मेरे हाथ में आ नहीं रहा, ऊपर से कैमरा। पहुंच गए, प्लीज 15th भी पहुंचा दो, ऐसा मत करो,
प्लीज़ 15th, यहाँ नहीं जाना, 15th जाना है, प्लीज़ 15th। आ गए हैं, बड़ी डिफ़िकल्टी से यहाँ तक पहुँची हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। अरे अरे इतने दिनों बाद, इतने दिनों बाद, फिर तो मैं ऐसे आया करूँगी 10-10 दिनों में। अरे 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 अरे, हेलो, अरे अरे अरे, ये स्नो वाइट कौन आया, स्नो वाइट कौन आया, हाय लनी, हनी हनी हनी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी एनिवर्सरी, स्पेशल एनिवर्सरी वाला एक अलग पैकिंग के साथ। चलिए, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ले लो भाई जितने कितने, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आनी आनी के क्या क्या रखेगा ये, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ले 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 ले, हैप्पी एनिवर्सरी, हेल्दी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू, गो गो, हैप्पी वैलेंटाइन, देखो इसी तो देखो, गो 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 गो, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ओह माय बेबी, डर क्यों है, इधर आओ, हैप्पी वैलेंटाइन डे, वॉशरूम तक लेके आ गया मेरे को, आज मेरे, अरे डर मत, डर मत, आज मेरे बहुत नीचे, इधर आओ, डरो मत, इधर आओ, क्या हुआ, क्यों नहीं डरते, ऐसे नहीं डरते, चलो, कितने कितने साल हो गए आपके एनिवर्सरी को, 41, तो बेसिकली एक बड़ी पार्टी बनती है पापा के आने के बाद, एक प्रॉपर पार्टी बनती है, Touchwood, 41 years of my mom and dad togetherness and many more to come. God bless both of them. और आज के ही दिन मेरी और प्रिंस की एक छोटी सी engagement ring ceremony हुई थी घर में ही, जो किसी को नहीं पता। Congratulations. Thank you. तो आज के दिन private anniversary थी, वो ring ceremony थी, yeah, जो किसी को नहीं पता था। It was on 14th Feb. ताकि रिंग चेंज हुई थी हमारी, फिर हमने 2 साल बाद डिक्लेयर किया था। 2 साल बाद, इट्स न्यूज़। इसको तो बलून मिल गया गाइस, और इसकी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, इसको सिर्फ यही चाहिए। के ये देखो पापा, अभी एक आज हैप्पी एनिवर्सरी, और इसे देखो ये कैच कर रहा है पूरा, पापा जी तो कंबल में लिपटे हुए हैं एकदम एनिवर्सरी पे भी, बोला सूट वूट पहनते अच्छे से। ये देखिए गाइस, तो पापा हैं दूसरे वाले घर पर, बॉम्बे में नहीं है, तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को। ये चलो शुरू करो, ओह फूक भी यही मारेगा, अब हर चीज तो भाई पोते करने वाला है। Yay! Happy anniversary! Happy anniversary! दिख रहा पापा? पापा को केक कैसे खिलाएंगे? पार्सल करा देंगे। हाँ। ये देखो पापा केक आपके लिए। आपके नाम का ही चुका है। आपके नाम का ये खा रहा है। ये देखो। आहा, ओह। इसको उठाना, अपने पोते को उठाना था तो मेरे कपड़े गंदे, गाइस देख रहे हो आप, ये नाइंसाफी हो रही है, ऐसे हल्का सा करके मम्मी ने ऐसे किया, अरे बोल देते तेरे को, जैसे सबकी शिकायत ना जा जाके बोलेगा, ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ चल रहा है, ये चुगल खोर रहेगा इसके पीछे पीछे आकाश के, बोलेगा अरे पापा खबरी खबरी खबरी। सो गाइज, मैं अपने घर आई और मेरा घर खाली, मतलब ऐसा खाली कि ना सोफ़ा ना कुछ, सब कुछ उड़ गया है।
तो मेरे घर आए हैं कुछ मेहमान, और उन मेहमानों ने जो मुझे तब्दीली दी, वैसे तो हम शिफ्ट नहीं होते, थैंक्स टू दीज पीपल जो अभी आए हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव लेके आया है। अब मुझे लग रहा है हम बिना इंटीरियर के शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब प्रिंस को घर ऐसे ही पसंद आने लगा है नीचे, और बेबी कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सो मुझे लग रहा है कि एक महीना भी नहीं, आई थिंक 15-20 दिन में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक काम करा के। जब ये सामान उठने लगा तो मुझे लगा कि शायद हम भी उठ के ऐसे नीचे ही चले जाएंगे कुछ दिनों में, हमें लगेगा हमारी शिफ्टिंग हो गई। सो मैं प्रिंस का वेट कर रही हूँ घर से। शाम से केक आया रखा है, घर वालों ने केक भिजाया है, बट इसको काटने की फुर्सत नहीं है। प्रिंस का वेट कर रही हूँ तो कि हम केक कटिंग करें और फिर आगे बढ़ें, बिकॉज मुझे सोना है और प्रिंस का तो भी जगराता होगा सुबह तक। जब आपको गिफ्ट कर रही थी, जैसे आपने मुझे गिफ्ट किया वो मैं दिखा नहीं पाएगी, रूम की हालत बहुत बुरी थी, बिकम इश नाउ। तो गाइस हमारा आज ना, एक बताता हूँ, हमारा सीक्रेट रोका हुआ था आज। यस, सीक्रेट रोका जो किसी को नहीं पता था इस वाले ब्लॉग में। डे एंड होता है, हैप्पी वेलेंटाइंस डे होगा। और ये बाप रे, चलिए अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड शुरुआत। मैं कल कितना अजीब लग रहा था बेबा, आज भी ऐसे लग रहा है। हाँ, मतलब कल ज्यादा लग रहा था। मैं कितना अजीब लग रहा था बेबा। मतलब मुझे पता था ना कि आप वो पढ़े, बट इट्स क्यूट। पढ़िए गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंड गाइस लॉट्स ऑफ लव हम दोनों की तरफ से। और प्लीज़ जिसको भी आप प्यार करते हैं वैलेंटाइंस डे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो प्लीज़ अपनी मम्मा के साथ बनाएं वैलेंटाइंस डे, ठीक है? क्योंकि लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारी गर्लफ्रेंड, और मेरी से दो गर्लफ्रेंड हैं, मेरी माँ और मेरी बेबी, ठीक है? तो मेरी माँ को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू आवर एंटायर फैमिली, एंटायर लव्ड वंस, एंड इसी तरह भगवान सबको खुश रखे, सबकी सेहत अच्छी रखे। लव यू ऑल, आप सब लोगों की सेहत अच्छी रखे, आप सब खुश रहें, सब लोग खुश रहें, एंड सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। लव योर लाइफ, लिव योर सेल्फ, सभी जीते हैं। लव योर सेल्फ, लिव योर लाइफ, उल्टा बोल जाती है कभी। बाय बाय बाय।